नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस लगातार शहर के वार्डों और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से शहर के लोगों के बीच पहुंच प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में आज ग्रीन चौक में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने दुर्ग पुलिस के बीच खुलकर बोला, साथ ही नशे के व्यापार में पुलिस का संरक्षण दिए जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। इस दिशा में लगातार विभिन्न आयोजनों के साथ शहर के वार्डों तक पहुंच आम लोगों के बीच अपनी बात और जनता की बात को आगे रखा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के ग्रीन चौक स्थित आयोजन में पहुंची महिलाओं की भीड़ के बीच दुर्ग पुलिस के CSP चिराग जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने पुलिस के बीच खुलकर अपनी बातें रखी। आप सिंपल कुछ भी हो रहा है तो पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए, नहीं तो क्या पुलिस वाले लोग पैसे लेके जाते हैं सर, हमारे आपके सामने लेके जाते हैं, फिर पुलिस वाले लोग के लिए कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए आप, मैं कह रहा हूँ, मेरा नंबर है, मेरे पे भरोसा कीजिए। पुलिस वाले लोग सर आए थे, उन्हें भी ऐसे बोल के गए, पर तुरंत दूसरे जगह चले गए, फिर वही गांजा पिकना चालू हो गया सर। यहाँ लिखा हुआ है CSP ग्रुप, आप कुछ भी इस तरह की चीज आती है तुरंत मेरे को बताइए। पूरे बच्चे नशा देखते हैं, सामने है ये सर, यहाँ सामने का मजबूत रहता है, मेरे सामने मेरा घर है, सबरे उठती हूँ। लोग ग्रीन चौक में ही आके बेचते हैं, जो के लोग बेच रहे हैं लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उधर कोई पुलिस दौड़ाया मोहल्ले में आके कपड़ा चेंज करके तुरंत निकल जाते हैं। और अभी तो ये है कि कहीं भी कोई फोन लगाए, अरे हम ग्रीन चौक में हैं, आओ यहाँ से लेके जाओ, और हर कोई को ये लगता है कि ग्रीन चौक में पूरे लेडीज लोग भी नशेड़ी है। औरत चिंतित इस बात से है क्योंकि ये जो नशे का कारोबार हो रहा है, कुछ लोग ही इन्हें क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके चक्कर में हमको सुना जा रहा है कि पूरे ग्रीन चौक पे बुलडोजर चलेगा। यहाँ पे लोग सब अपना एक एक घर के लिए यहाँ पे आए हैं, ये जो नशा मुक्ति केंद्र का हम लोग कर रहे हो ना, ये सिर्फ चार लोग ही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पूरे परेशान बस्ती वाले हो रहे हैं, सबको अपने घर का टेंशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेन मुद्दा का कि हमारे सर पुलिस हमेशा प्रिवेंटिव एक्शन लेती है, जहाँ पर नशे का समस्या है वहाँ पर पुलिस अपनी विजिबिलिटी रखेगी, वहाँ पे पेट्रोलिंग करेगी और पुलिस वो सारे कदम करेगी जिससे नशे को रोका जा सके। इस दौरान दुर्ग पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों के बीच जानकारी दी गई। महिलाओं ने दुर्ग पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए नशे के व्यापार को संरक्षण देने की बातें कही। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ में खुलकर लगातार बढ़ रहे अपराध और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की यहाँ पर मांग की गई। इस दौरान दुर्ग CSP चिराग जैन और डॉक्टर अजय गुप्ता ने अपनी बातें रखी। आज दुर्ग पुलिस द्वारा ग्रीन चौक एरिया में नशे के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत की गई। इसमें लोगों को समझाया गया, लोग जो आसपास के लोग हैं और जो भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं उन सब की उपस्थिति में एक सभा ली गई। उसमें समझाया गया कि नशा एक बुरी चीज़ है और उसको कैसे हमको टैकल करना है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, पुलिस तो अपनी तरफ से नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर ही रही है, जो लोग नशा बेच रहे हैं या नशा कंज्यूम कर रहे हैं, साथ साथ एक नशे की एक डिमांड को भी ख़त्म करने की एक ज़रूरत है। उसके लिए समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर से जो महिलाएं हैं, उनको एक अपने परिवारों में एक ये संदेश फैलाना होगा कि नशे को रोकना एक ज़रूरी है और नशा कैसे एक परिवार को और समाज को और इवन पूरे देश के स्तर पर भी एक 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 विकट समस्या है और कैसे हम इसको एक सामाजिक स्तर पर टैकल कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए इसी तरह की सभाएं और भी आगे भी होती रहेंगी और जो भी इस तरह के एरियाज हैं जहां पर नशे के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं तो वहां पर हम जाके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। एक्चुअली विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार होता है तो उसे पूर्णतः बीमार होते हैं। पहले ये समझा जाता था कि केवल शारीरिक रूप से बीमार है तो वो बीमार है, मगर
अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो भी बीमार हैं। अगर आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है कि आप अपने समाज में ठीक से रह नहीं पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मारा पीटी कर रहे हैं और नशा करके आप किसी प्रकार की बदमाशी कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की सामाजिक बीमारी है। अगर आप नशा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ तो आपको भगवान सजा दे गई, और ऐसा गीता में कहा गया है कि जो लोग नशा करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो सीधा नरक में जाते हैं। जो सामाजिक नशा मुक्ति में जो नशा करने का सबसे जो प्रमुख कारण है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वही नशा करता है, तो उसको जब वो नशा करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा सारा तनाव दूर हो गया, मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगता है, मगर जैसे ही नशा उतरता है तो वो उसे नशा करने की और ज़्यादा इच्छा होने लगती है। तो जैसे अगर जो व्यक्ति दिन में एक बार सिगरेट पीता है तो दिन में फिर वो धीरे धीरे 2 पिएगा 4 पिएगा 10 पिएगा। ऐसी जो शराब पीने वाले हैं, पहले वो 1 क्वार्टर पीते हैं, फिर आधा पौवा पीते हैं, फिर वो बड़ी बॉटल पीने लगते हैं, फिर कई बार हफ्ते में 1-2 बार से वो हफ्ते में 2-3 बार या फिर रोज़ पीने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ते जाती है। इस आदत बढ़ने का जो सबसे बड़ा मानसिक कारण है, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति लोगों को, उन लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लगा दिया जाए, खेल में लगा दिया जाए, तो वो व्यक्ति की नशे की आदत कम हो जाती है। और एक मैंने व्यक्तिगत रूप से ऑब्जर्व किया हुआ है कि शरीर दिमाग में अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति भी काफ़ी मात्रा में नशा करता है। तो मैं आप लोग अगर टीवी के माध्यम से आप मुझे लोग देख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक सुदर्शन क्रिया रहती है जो श्री श्री रविशंकर जी की है, तो उसको अगर आप आधे घंटे करते हैं तो आपको नशा मुक्ति के लिए जो छोटी मोटी नशाएं हैं, बीड़ी सिगरेट दारू छोटा गांजा पीना, ये आपकी छूट सकती है। तो इसके लिए से जैसे सांस अंदर पेट अंदर, इसका ये फार्मूला है, तो आप अपनी सांस को ज़ोर से खींचें, आपकी छाती फूलेगी, पेट अंदर जाएगा, इस टाइप से करें। इस तरह अगर आधे घंटे आप सुबह करते हैं, और सवेरे अगर उठ के आप दरी में लेट करके, बिस्तर में लेट करके या धूप में बैठ करके, ये लेट करके ये प्रक्रिया करते हैं सुदर्शन क्रिया, तो आपको नशा मुक्ति से बहुत ज़्यादा आसानी से नशा मुक्ति हो जाएगी बिना किसी दवाई के। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो CSP द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा अभियान है, और सब डॉक्टर। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।